नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा राज्य मेरा देश। मैं आपके साथ रोहित रंजन, और आपको बता दूं कि आज क्या क्या खबरें होगी खास। पहली खबर में देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर तीखे हमले करना शुरू कर दिए। आज यूपी अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को उद्घाटन सरकार बताते हुए यहां तक कह डाला कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा गरीबों, किसानों और दलितों को कुचला जा रहा है। दूसरी खबर में देखिए, आर्यन ड्रग केस में कैसे बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब आर्यन केस के साथ अंडरवर्ल्ड से संबंधों को लेकर नवाब मलिक और बीजेपी नेता मोहित कंबोज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तीसरी खबर में देखिए, फरुखाबाद में ऐसा जेल कांड हुआ कि योगी सरकार हिलकर रह गई। कैदियों ने जिस तरह से जेलर को जेल में कैद किया, उसके बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। फरुखाबाद का जेलकांड कितना संगीन है, ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। चौथी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है, जो दावा कर रहे हैं कि साल 2022 में योगी सरकार चुनाव हार जाएगी, जबकि 2024 में मोदी सरकार भाग जाएगी। राहुल गांधी ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं, इसे समझने के लिए हम आपको राहुल का सियासी गणित भी दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वैसे यूपी में विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में कूद पड़ी है, और अखिलेश यादव चुन चुन कर योगी सरकार की कमियों को बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी में बाबा की सरकार जल्द ही बदल जाएगी। अखिलेश ने माफिया बना महंगाई को मुद्दा बनाया और योगी को चैलेंज दिया। अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए थे। भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। माफिया बनाम महंगाई, योगी को अखिलेश का चैलेंज। इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई। यूपी में उद्घाटन सरकार, योगी पर अखिलेश का वार। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिन्ना पर बवाली बयान देने वाले अखिलेश यादव ने आज यूपी के अंबेडकर नगर में योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जिन्ना पर दिए गए बयान पर सफाई न देते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में जितना जुल्म और सितम गरीबों, किसानों और दलितों पर किया गया है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। लोग थाने में मर गए, कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है, योगी सरकार पुलिस के जरिए माफिया के नाम पर मासूमों पर अत्याचार करा रही है। वहीं योगी सरकार दावा करती रही है कि यूपी में माफिया राज खत्म होता जा रहा है। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। अखिलेश यादव पिछले कई हफ्तों से यूपी में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, कभी साइकिल यात्रा तो कभी रथ यात्रा के जरिए योगी सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। दावा तो यहां तक कर रहे हैं कि यूपी में इस बार जनता योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री वाली तीन इंजन वाली सरकार ने किसानों को कुचला, गरीबों को बर्बाद किया, महंगाई की मार से यूपी की जनता बेहाल है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है,
इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। यूपी में इस वक्त चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर दिए गए बयान पर जमकर पलटवार किया है, तो वहीं राजभर जैसे नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो अखिलेश को यूपी का सीएम बना कर रहेंगे और बीजेपी को यूपी में दफन कर देंगे। इस वक्त यूपी में जिन्ना का जिन बनाम बीजेपी को दफन करने की राजनीति तेजी से चुनावी माहौल में बदल रही है और अखिलेश इस भंवर के बीचों बीच में हैं। जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। हिम्मत है, मर्द हो यार केशव जी, तो आओ सामने, मुकाबला करो महंगाई का। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में हैं। समाजवादी पार्टी के कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत अंबेडकर नगर के दो कद्दावर नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी में शामिल करना साफ दिखाता है कि एक तरफ अखिलेश जिन्ना की सियासत से मुस्लिम वोट बैंक साधने में लगे हैं, वहीं बीजेपी और बीएसपी के नेताओं को एसपी में शामिल कर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।